संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, अध्याय एक वाक्य दो में वो कहते हैं कि भाइयों, जब आपको अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने आप को धन्य समझिए। याकूब कहते हैं कि अपने आप को धन्य समझिए। बड़ी अजीब बात है, दुनिया दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करती है, दुनिया दुख से भागने का प्रयास करती है, दुनिया दुख को दुर्भाग्यपूर्ण समझती है, लेकिन हम विश्वासियों के लिए दुख दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। जब से ईश्वर के पुत्र ने दुख को अपने ऊपर उठाया, उस समय से हमें दुख का एक नया अर्थ और एक नया उद्देश्य मिला है। आपने संत अल्फोंसा के बारे में सुना है, 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। करीब 20 साल उन्होंने दुख सहा, लेकिन 20 साल के दुख ने अल्फोंसा को तोड़ा नहीं, वरन अल्फोंसा को संत बनाया। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं, सफरिंग हैज ग्रेट पोटेंशियल्स इन इट, यानी दुख में बहुत बड़ी शक्ति है। दुख में बहुत बड़ी शक्ति है, हमें अमर बनाने की शक्ति, हमें चमकाने की शक्ति, हमें शक्तिशाली बनाने की शक्ति। और विशेष करके वे दुख उस समय हमें प्राप्त हों जब हम निर्दोष हैं, हमने कोई गलती नहीं की है। मेरे प्रिय मित्रों, हमें दुख को एक नया अर्थ और एक नया उद्देश्य देने की आवश्यकता है। एक छोटा सा किस्सा है, कहा जाता है कि एक बार दो पत्थर आपस में वार्तालाप कर रहे थे, एक पत्थर जो मंदिर के बाहर था और दूसरा पत्थर जो मंदिर के अंदर था। मंदिर के अंदर कौन सा पत्थर था? मूर्ति। और मंदिर के बाहर कौन सा पत्थर था? सीढ़ी पर का पत्थर। और सीढ़ी पर का पत्थर बोलता जा रहा था अंदर वाले पत्थर से, देख भाई देख, लोग कैसा अन्याय करते हैं हमारे साथ, वे मेरे ऊपर चप्पल रखते हैं और तुम्हारे ऊपर माला डालते हैं। काफी देर तक अंदर का पत्थर सुनता गया चुप रहा। काफी देर के बाद उसने मुंह खोला और कहा, भाई तुम्हें याद है जिस समय मैं मूर्ति के रूप में बनाया जा रहा था, कितनी बार उस मूर्तिकार ने मेरे ऊपर प्रहार किया था। हर बार उसने छेनी से मेरे ऊपर प्रहार किया, मुझे कितना दुख झेलना पड़ा तुझे मालूम? इसलिए लोग मेरे ऊपर मालाएं डालते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन उसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है। जब हम दुखों से होकर गुजरते हैं, और विशेष करके निर्दोष जीवन जीते हुए दुखों से होकर गुजरते हैं, तो वे दुख हमारे लिए चमकाने वाली चीज बन जाती है। आज आप अपने जीवन के सारे दुखों को याद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष होने के बावजूद इतने सारे दुख झेलना पड़ा, और उन्होंने सहर्ष हृदय खोल कर उनको स्वीकार किया, जैसा कि हम फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 6-11 में पढ़ते हैं। इसलिए पिता ईश्वर ने उनको ऐसा नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्या आप चाहते हैं कि आपको भी ऐसा नाम मिले? क्या आप चाहते हैं कि आप भी चमकाए जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी दुखों के द्वारा प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करें? उनको ग्रहण करने के लिए तैयार होना होगा। आज की प्रार्थना में हम लंबी देर तक प्रार्थना करेंगे, विशेष करके एक एक दुख को हम प्रभु को समर्पित करेंगे। आज से ये नहीं कहना कि मेरा कौन सा अपराध है कि मुझे दुख झेलना पड़ रहा है। उन क्षणों में आपको क्रूसित येसु की ओर देखना होगा और येसु से सवाल करना होगा, प्रभु तू क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? तेरा कौन सा अपराध था? जब आप प्रभु से सवाल करेंगे तो प्रभु आपको जवाब देगा। आपके जीवन के दुखों का अर्थ आपको मिल जाएगा। आपके जीवन में क्यों दुख झेलना है इसका मतलब आपको मिल जाएगा।